तो दोस्तों पंजे में तो मैं आपके मास्टर शल्ले से हार चुका हूं, क्योंकि दोस्तों बल्ले शल्ले थोड़े से बना रखे हैं और मैं ठहरा नाजुक सा कमजोर सा बंदा, तो इनसे तो नहीं जीत सकता पंजे में। तो मैं कौन हूं सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए। सबसे पहले दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे मास्टर शल्ले से, और मुझे तो दोस्तों आप बाय फेस बाय नेम जानते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहती हैं। ये है मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई। दोस्तों हम लोग चार भाई हैं, सबसे बड़े भाई मेरे ये हैं। और जो भी मैं आज हूं दोस्तों, जो आप लोगों ने 1,74,000 का बड़ा फैमिली बनाया है, उसका पूरा जो श्रेय है इनको जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज में अवेयर था कि मैं यूट्यूब करूंगा या मैं यूट्यूब की दुनिया में उतरूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करूंगा, ये सब कुछ भी नहीं मैं जानता दोस्तों। मुझे बस इतना पता था कि ड्रेस पहनो, रीना पे चढ़ो और नॉकआउट करने की कोशिश करो। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि अपने टैलेंट को कैसे बढ़ाना है, कैसे लोगों के सामने लाना है, उसके लिए एक यूट्यूब बहुत अच्छा जरिया है और काफी हद तक बहुत ज्यादा नॉलेज है इनको मेरे हिसाब से। और दोस्तों उसमें इन्होंने पूरी पूरी हेल्प की मेरी, मुझे इस लेवल तक लेकर के आए। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये नेशनल वगैरह के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे इसके राइट नी की जो लिगामेंट है वो ब्रेक हो गई। इसने उस टाइम पे केयर नहीं किया और वो जो है फ्रैक्चर था, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था। लिगामेंट जब टूट जाती है ना दोस्तों, तो उसकी सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट है, दूसरा कोई इलाज नहीं, उसको जोड़ा नहीं जा सकता। नॉर्मली वो नेचुरली नहीं जुड़ता है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं स्टार्टिंग में बोलता था तू कर, देखवा ले, चेक करा ले, लेकिन नहीं कराया, ये अपना नॉर्मली टाइम पास करता रहा। फिर मैंने सोचा ये अभी नेशनल वगैरह तो खेलने में इसका पैर जो है गड़बड़ कर रहा है, नहीं खेल सकता। तो मैंने इसको बोला तो यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस डाला कर जो तू सिखाता है बताता है, सेल्फ डिफेंस बताया कर। तो आप लोगों को इतना पसंद आया कि आज इसकी फैमिली जो है 2,00,000 टच होने वाली है। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो आप जो है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे काफी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जो है इसके सब्सक्राइबर मुझसे भी ज्यादा हो चुके हैं, मैं अभी भी 70,000 पे हूं और ये जो है 2,00,000 टच करने वाला है। बल्कि सबसे पहला प्रमोशन मैंने ही इसका किया था। स्टार्टिंग में इसकी वीडियोस मैं एडिट करता था, अपलोड करता था, टैग का लगाता था, सब कुछ करता था, और बड़ी मेहनत के बाद ही इसका इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा तब आया जब थोड़ी बहुत अर्निंग आनी शुरू हुई। हकीकत ये है एक्चुअली इसकी जो अर्निंग है वो 10,000 से 11,000-12,000 के आसपास आ जाती है हर महीने की। तो अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है ना, कोई टैलेंट है, तो आप YouTube से कमा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, YouTube के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर लाखों वीडियो बनती है, लेकिन आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी वीडियो जो है टॉप पे आएगी? अगर आपकी वीडियो टॉप पे आएगी तो जाहिर सी बात है 90% जनता उस टॉप वीडियो वाले पर ही क्लिक करेगी। तो यही ट्रिक्स एंड टिप जो है मैंने इसको बताया। और मेरे चैनल की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। दो चैनल है मेरे, एक है टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसमें मैं लेटेस्ट गैजेट की अनबॉक्सिंग रिव्यू पोस्टमार्टम करके रख देता हूं। जैसे ये मेरे हाथ में MI Band 3 है, Nokia 6.1 Plus है, Motorola One Power है, इस टाइप के लेटेस्ट गैजेट मोबाइल फोन मैं परचेज करता हूं और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बना के देता हूं। दूसरा जो चैनल है दोस्तों, उसमें फंड गुरुजी है, फंड गुरुजी उस चैनल का नाम है। वहां पे मैं म्यूचुअल फंड आपको सिखाता हूं, क्योंकि मैं जो थोड़ी बहुत अर्निंग करता हूं, स्टार्टिंग से तकरीबन 4-5 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। जितना मैंने सीखा है वही मैं ईमानदारी से लोगों को सिखाता था। तो वहां पर क्या हुआ, वो इतना लोगों को पसंद आया कि उस पर भी मेरे 60,000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे होने वाले हैं। तो दो चैनल है मेरे, लिंक इसकी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वही आप सब्सक्राइब करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे पार्ट टाइम करता हूं, ये फुल टाइम कर रहा है, क्योंकि अभी इसके पास कोई भी जॉब नहीं है। तो इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए। इसका एक और चैनल है, कौन सा चैनल है तेरा? मास्टर शल्ले लाइफस्टाइल करके एक और इसने ब्लॉगिंग चैनल बनाया है। वैसे उसका नाम थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, उसका नाम मुझे चेंज करना है। आप मुझे बताइएगा कि उसके ब्लॉगिंग के चैनल का नाम क्या रखा जाए, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कमेंट्स करिएगा नीचे इसी वीडियो के और बताइएगा कि इसके चैनल का नाम क्या रखा जाए। थोड़ा सा वो अजीब लग रहा, लंबा हो गया है, 2 से 3 वर्ड के अंदर मुझे कोई अच्छा सा नाम आप नीचे रिकमेंड करिएगा, वही इसके चैनल का नाम रख देंगे जो इसने ब्लॉगिंग के लिए शुरू किया है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है, टैलेंट है, तो आप YouTube पे आइए, काम करिए और आप पैसे जरूर बनाएंगे यहां से। अपना पॉकेट मनी तो आप 100% निकाल लेंगे, और आज की डेट में ये बंदा अपना पॉकेट मनी जो है YouTube से ही निकाल ले रहा है। आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोग जो वीडियो देखते हो YouTube की तरफ से, इसको छोटी मोटी इनकम होती है, महीने में मिला करके 10-12 हजार रुपए इसके आ जाते हैं। तो क्योंकि जॉब तो है नहीं कोई, और दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है इसको, ये इतना बढ़िया खेलता था कि नेशनल ये आराम से खेल जाता और उसके बाद इसके लिए जॉब की वैकेंसी खुल जाती। और ज्यादा कुछ यही बताएगा, आप इसी के मुंह से सुन लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने नेपाल से ब्लैक बेल्ट किया सीतोरी मार्शल आर्ट्स में। तो वहां से दोस्तों मैं अपने घर से जो था
22 किलोमीटर इस साइकिल से रनिंग करता था अप और डाउन। सोचिए नशा, सोचिए इसका 22 किलोमीटर अप एंड 22 किलोमीटर डाउन। मुझे तो किलोमीटर भी याद नहीं है, बल्कि मैं उस टाइम पर घर पे ही रहता था जब ये अप डाउन करता था। तो 44 किलोमीटर का ट्रैवलिंग, तो 44 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग है वो साइकिल के ऊपर करता था, ये मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, सीखने के लिए। तो कितना नशा था, सोचिए इसको स्टार्टिंग में। कहीं हम भी थोड़े पैसे वाले घर के होते हैं और हमको भी कोई बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉलेज और अच्छी डाइट और अच्छा खाने पीने के लिए पहनने के लिए मिलता, तो ये ओलंपिक खेल रहा होता। तो कहने का मतलब यही है कि नशा तो बहुत था, क्रेज तो बहुत था, लेकिन थोड़ा सा कह लीजिए हम इतने मेच्योर नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे कि हम ये सारी फैसिलिटी हमको मिल सकती थी। और गवर्नमेंट की हालत आप देख ही रहे हो कि स्पोर्ट्समैन को क्या मिलता है। तो कहने का मतलब है ये कि उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जिस लेवल का इसका गेम था। गेम्स का बहुत जबरदस्त था, वीडियोस हैं इसकी जो आप देख सकते हैं इसके चैनल के। तो अभी फ्रेंड उस समय से लेकर के जब मैं वहां से तकरीबन ब्लैक बेल्ट हुआ, 3.5 साल मुझे लगा वहां पे। उसके बाद भी कुछ टाइम मैंने वहां पे प्रैक्टिस किया, तो तकरीबन मेरे वहां पे 4.5 से 5 साल तक मैंने वहां पे टाइम स्पेंड किया, मार्शल आर्ट किया वहां पे। उसका बेनिफिट जो हुआ दोस्तों, मुझे सर्टिफिकेट में तो नहीं मिला, बट अरीना पे मुझे बहुत जबरदस्त उसका सर्टिफिकेट मिला। और जो भी आप मुझसे ट्रिक पावर मेरी देखते हैं, जो भी सिंपल जो को मैं मेरे पावर है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में मैं आपको 360 या 540 तो नहीं करे दिखा सकता हूं। रीजन आपको पता है, मेरा पैर टूटा हुआ है इस समय, लिगामेंट ACL टूटा हुआ है उसका। तो अभी जो भी पावर है दोस्तों, वो उस नेपाल की मेहनत का ही वो फल है। तो बस दोस्तों मेरे भी कहने सेंस यही है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने शुरू किया है तभी आप उसे खत्म कर सकते हैं, अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप उसे खत्म भी नहीं कर सकते। तो मेरे कहने सेंस यही है जो अभी भैया ने बताया स्टार्ट में, कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आपके पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सी ऐसी सोशल मीडियाज हैं जहां पे आप अपने टैलेंट को दिखा करके आगे आ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं आप अपने टैलेंट को कि आपके अंदर कितना दम है। और दुनिया आपके टैलेंट को मतलब अच्छा बोलेगी, आपसे सीखेगी। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं लेटेस्ट गैजेट खुद के पैसे से परचेस करता हूं, उसके बाद उसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाता हूं, लोगों की हेल्प होती है। मान लीजिए कोई स्मार्टफोन आपको खरीदना है और आपको नहीं पता कि उसकी बैटरी कितनी चलती है, तो मेरे जैसा यूट्यूबर उसको परचेस करेगा, उसकी बैटरी का एक टेस्ट बनाएगा और आपको दिखाएगा कि इसकी बैटरी जो है आपको एक दिन निकाल देगी, दो दिन निकाल देगी, ये सारी चीजें होती हैं। और दोस्तों अभी जो मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि MI बैंड जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो अभी भैया ने उसे पहन रखा है। अगर आपको ये लेना है, MI बैंड 3 की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाकर के सिंपली परचेस कर सकते हैं। उसे आप टच करेंगे, आप डायरेक्ट उसी पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप अपना एड्रेस डाल के ऑर्डर कर लीजिए। और दोस्तों आप जो ऑर्डर करेंगे उस पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो आपका सिंपल वही रेट है जो आपको आम चीजों में देना होता है। बस उससे ये चीज होती है कि उसका कुछ परसेंट जिस कंपनी से आपने बुक किया है, जैसा मैंने आपको लिंक दिया है, उसका कुछ परसेंट हम यूट्यूबर भाइयों को मिल जाता है, बस यही हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। अगर आप वहां से परचेस कर सकते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा वो कंपनी हमको देती है। ये दोस्तों ये सच्चाई है जो कि आमतौर पर कोई नहीं बताता है, बट मैंने आपके सामने बात रखी है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे अच्छा इस समय फोन लेना होगा तो कौन सा ये सजेस्ट करते हैं। देखिए अगर आप ये बोलते हैं कि मैं कौन सा फोन आपको सजेस्ट करूं, तो हर एक इंसान की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। yes. कोई बंदा गेमिंग करता है, पबजी जैसे हैवी गेम खेलता है, कोई फोटोग्राफी करता है, कोई जो है अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, जैसे कुछ लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं तो बाइक लेके पूरे दिन घूमते रहते हैं, तो उनको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो हर फील्ड में 100% कंप्लीट हो। तो कहने का मतलब यह है, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको लेना है एक हैवी प्रोसेसर और हैवी ग्राफिक्स वाला फोन, आपको नहीं लेना किसी अच्छे कैमरे वाला फोन जैसे ओप्पो और वीवो के अंदर होता है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कैजुअल यूजर हैं तो नॉर्मली आपको जो है स्नैपड्रैगन 450 जैसे प्रोसेसर के साथ में आपको 3000 mAh की बैटरी भी मिल जाए तो भी आपका पूरा दिन जो है निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात कर लें कि अगर आपको एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए हो, तब आप कितने तक का परचेस कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट होगा आपके? देखिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक नॉर्मल वर्क के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, तो आप कोई भी i3 सीरीज का
जो सेवेंथ जनरेशन से ऊपर का लैपटॉप है वो आप बाई कर सकते हैं, जिसपे कम से कम 4GB रैम हो और उसमें जो है 500GB 512GB जो SSD हो या फिर जो हार्ड ड्राइव हो वो आपकी होनी चाहिए। तो इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ में आप कोई भी लैपटॉप बाई करेंगे आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी काम करेंगे तो आपको जो है i5 या i5 से ऊपर के जो लैपटॉप हैं वो बाई करने पड़ेंगे, उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपको लेना पड़ेगा i5 या फिर i7 8th जनरेशन 8GB रैम, मिनिमम 8GB रैम आपको लेना पड़ेगा, 2GB ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा और कोशिश आपको ये करना पड़ेगा कि लैपटॉप में आपको SSD भी मिले जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से मैनेज करे। तो जो टेक्निकल से जुड़े हुए लोग हैं वो मेरी पूरी बातें समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। तो आप अपने लैपटॉप का भी चुनाव अपनी रिक्वायरमेंट को देख के करिएगा। गेमिंग लैपटॉप में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो है एसर के प्रेडिएटर सीरीज ले लीजिए या फिर आप बहुत सारे डेल में भी आपके बहुत हैवी लैपटॉप्स हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसी वीडियो के नीचे, अगर आपको गेमिंग के भी स्टूडेंट के लिए भी सब दे दूंगा आप जाकर चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यही था आज के लिए, आप मेरे बड़े भाई से मिल चुके हैं, उनका जो रियल नेम है वो है नवीन कुमार तिवारी और दोस्तों मेरा जो रियल नेम है वो है शैलेश कुमार तिवारी और मुझे निक नेम भैया ने दिया, वो नाम है शानू। यस, वो दोस्तों नाम थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है मेरे एरिया में, लोकल के एरिया में, वैसे नेट पे तो आप लोग जानते हैं मास्टर शैलेश तिवारी नाम से, और जो छोटा सा नाम है दोस्तों वो मुझे मेरे भैया ने दिया है शानू नाम, वो काफी ज्यादा फेमस है मेरे एरिया में। तो बस दोस्तों आज यही एंड करते हैं, तो आज मैं आपको कुछ स्टंट करके नहीं दिखा पाया उसके लिए सॉरी, और एक बार मैं भैया को थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने इतना सपोर्ट दिया। हालांकि दोस्तों फैमिली में थैंक यू और सॉरी तो नहीं होता है, बट फिर भी जो भी आज मैं हूँ इनकी वजह से हूँ। और एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इसका एक और चैनल है जो ब्लॉगिंग के ऊपर ये बना रहा है, ये दोस्तों बिल्कुल भी अभी कोई जॉब नहीं कुछ भी नहीं है, टोटली यूट्यूब की पॉकेट मनी पे चल रहा है, थोड़ा बहुत पेरेंट्स देते हैं थोड़ा बहुत मैं हेल्प करता हूं, तो आपके सपोर्ट की इसको जरूरत है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं आपके सपोर्ट की इसको बहुत बड़ी जरूरत है, आप इसको सपोर्ट करिए, इसकी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और इसका एक और चैनल है उसके बारे में इसके मुंह से सुन लीजिए, उसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी वीडियो को शेयर करिए प्लीज। अभी दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही अपना वो चैनल चालू किया है, उस चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस चैनल फिलहाल तो नाम है मास्टर शैलेश लाइफस्टाइल, बट भैया कहना है नाम थोड़ा बड़ा हो गया है इसको छोटा करना है, तो बात भी सही है, इतना लंबा नाम नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग छोटा कर लेंगे इन फ्यूचर। तो अभी ये डेट में दोस्तों उस पे भी आप लोगों इस सपोर्ट की जरूरत है, उसमें भी 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर मुझे पूरे करने हैं, तो उसमें आप आइए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे दोस्तों। मास्टर शैलेश लाइफस्टाइल थोड़ा सा अजीब और लंबा हो जाता है, तो आप मुझे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसका जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है उसका क्या नाम रखा जाए, तो नीचे कमेंट्स करके सभी लोग रिप्लाई करिएगा कि इसके चैनल का नाम क्या रखा जाए, कोशिश करिएगा कि 2 वर्ड या 3 वर्ड मैक्सिमम के अंदर कंप्लीट करने के लिए, जैसे मेरा है टेक्नो नवीन, मास्टर शैलेश 2 वर्ड के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इस टाइप का कोई अच्छा सा नाम इसको सजेस्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ इतना ही था, हम दोनों भाइयों की वीडियो आपने देख लिया, मेरे बारे में जान लिया, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, मेरे चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी दोनों वाली, जाइए सब्सक्राइब करिए और विजिट करिए, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए, वरना आप जो है जो आपके दिल में है वो कर लीजिएगा। वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और बस बाकी सब मास्टर शैलेश पे छोड़ता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।